चक्रवाती तूफान यास का असर पुल के बाद अब झारखंड विधानसभा भवन पर भी दिख रहा है। भवन दो दिन की बारिश भी ठीक से झेल नहीं पाया। भवन के फर्स्ट फ्लोर के पश्चिमी हिस्से के कॉरिडोर की सीलिंग गुरुवार की रात गिर गई। सामान्य दिनों की तरह कामकाज चलता तो बड़ी घटना हो सकती थी। पश्चिमी हिस्से में विधानसभा सचिव के कक्ष के समीप यह घटना हुई। झारखंड में निर्माण कार्य की गुणवत्ता और सरकारी राशि के दुरुपयोग को लेकर समय समय पर कई सवाल उठते रहे हैं। बीते दिनों रांची के तमांड बुंडू इलाके में कांची नदी पर करीब 10 करोड़ रुपए की लागत से बने पुल के उद्घाटन के पहले ही ढह जाने की घटना से सरकारी सिस्टम की पोल खोल कर रख दी। अब विधानसभा भवन की खबर पर अलग अलग तरह की चर्चाएं हो रही हैं। विधानसभा का नया भवन 465 करोड़ की राशि से बना है। 29 एकड़ में फैले इस नए विधानसभा परिसर का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था।